हेलो एवरीवन हाउ आर यू टुडे आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी ऑफ चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन क्लास टेंथ इस वीडियो में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल और एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चन तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल आज का टॉपिक क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट ठीक है किसी भी एक बाहर के पॉइंट से अपने को सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो देखिए ये अपने को एक सर्कल गिवन है ठीक है सर्कल का सेंटर सपोज कर लेते हैं अपन यहाँ पे ओ पॉइंट पे ये ओ हमारा क्या है सेंटर ऑफ सर्कल किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपने को क्या करनी है पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू द गिवन सर्कल अब हमें पता है कि अगर अपन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है बिल्कुल बराबर होती है पढ़ी है ना अपने थ्योरम सर्कल है एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे पहले तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे पी टी और पी क्यू और पी टी की लेंथ किसके बराबर होगी पी क्यू की तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इस तरह से कंस्ट्रक्शन सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा ओ को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है स्केल की हेल्प से अपन ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे ज्वाइन ओ टू पी ओ पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे ओ पी का परपेंडिकुलर बाई बनाएंगे क्या करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ पी परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाना सिखाया था आपको चलिए वापस से देख लेते हैं अपन परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे बनाते हैं कंपास लेंगे अपन सबसे पहले तो कंपास की हेल्प से बनाएंगे ठीक है अब देखिए कंपास को आपको किस पॉइंट पे रखना है पी पॉइंट पे और कंपास को मोर देन हाफ खोलना है ये मोर देन हाफ हो गया एक कट ऊपर ठीक है सिमिलरली एक कट हमें नीचे लगाना है अब कंपास को रखना है ओ पॉइंट पे एक कट ऊपर और प्रीवियस वाले को काटता हुआ एक कट नीचे ठीक है अब अपने को स्केल की हेल्प से इन दो कट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है ठीक है जहां पे भी ये इसको टच कर रही है वो हमारा एम पॉइंट हो गया एम नाउ अब क्या करना है पॉइंटर को एम पे रखना है और इसको ओ पे ओ एम को रेडियस मानते हुए अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ठीक है चलिए ड्रॉ करते हैं उसका कलर अपन चेंज कर देते हैं कीपिंग एम एस सेंटर एमओ एस रेडियस ड्रॉ सर्कल ठीक है सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने अब देखिए ये जिस भी पॉइंट पे इसको टच कर रहा है येलो वाला सर्कल वाइट वाले सर्कल पे उन पॉइंट्स को हम पी से ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से ज्वाइन पी टू उसको नाम देते हैं अपन

ठीक है O सेंटर ऑफ सर्कल था पी से अपन ने ओ को join किया था फिगर के अंदर इसी तरह से था ना क्या बोल रहा है वो join P -O, तो P point को o point से अपन ने join कर दिया था फिर क्या बोल रहा है वो एंड बाइसेक्टेड बाइसेक्ट करना मीन दो बराबर हिस्सों में बांटना तो अपन इसका परपेंडिकुलर बाइसे बनाया था कैसे पी से मोर देन हाफ खोल के ऊपर कट नीचे कट देन ओ से मोर देन हाफ खोल के ऊपर कट नीचे कट ठीक है लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पी ओ एम क्या है इस पी ओ का मिड पॉइंट ठीक है टेकिंग एम एज सेंटर एम को सेंटर मानते हुए एंड एम ओ एज रेडियस एम ओ को रेडियस मानते हुए ड्रॉ अ सर्कल एक सर्कल हमने फिर ड्रॉ कर लिया था लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द पॉइंट क्यू एंड आर अब देखिए ये इसको गिवन सर्कल को क्यू और आर पे सपोज करो कट कराए अपन ने एर बी नाम दिया था इधर क्या नाम दिया हुआ है क्यू एंड आर ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर देन पी क्यू एंड पी आर आर द रिक्वायर टू टें तो पी क्यू एंड पी आर क्या होंगे रिक्वायर टू टेंजेंट्स इनकी लेंथ भी क्या होगी बिल्कुल सेम तो अभी इसी कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड अपन एक्सरसाइज 11.2 करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव आल्सो जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसका जस्टिफिकेशन भी देना है हर क्वेश्चन के अंदर ठीक है तो क्वेश्चन वन क्या है ड्रॉ सर्कल सबसे पहले क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी सिक्स सेंटीमीटर और ओ क्या होगा सेंटर ऑफ द सर्कल मान लेते अपन ठीक है फिर क्या है फ्रॉम अ पॉइंट टेन सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर अब अपने को एक ऐसा पॉइंट लेना है ठीक है मान लेते अपन पी पॉइंट है जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है टेन सेंटी मीटर के डिस्टेंस पर है कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या बनाने है? हमें पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब पी पॉइंट से हमें दो टेंजेंट बनाने हैं एंड मेजर देयर लेंथ फिर हमें उनकी लेंथ भी मेजर करनी है तो चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं अपन इसका इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है सबसे पहले हमें क्या करना है एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होगी सिक्स सेंटीमीटर होगी तो उसके लिए हमें एक तो स्केल चाहिएगा स्केल ले, ले लेंगे और एक ले लेंगे हमारा कंपास हम्म चलिए सबसे पहले हम स्केल के अंदर मेजर करेंगे सिक्स सेंटीमीटर का कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले कंपास को टिप को ओपन जीरो पे रखते हैं और सिक्स सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर देते हैं ठीक है सिक्स सेंटीमीटर का हमारा कंपास अभी ओपन हो चुका है सेंटर से सिक्स सेंटीमीटर का अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ठीक है चलिए करते हैं ओ क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल ये पॉइंट ओ है यह जो डिस्टेंस है इसके रेडियस की कितनी है सिक्स सेंटीमीटर अपने को पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर चाहिए टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो देखिए सिक्स तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी हो ही जाएगी सर्कम पे फोर और अपने को चाहिए तो स्केल की हेल्प से अपन क्या करेंगे देखिए टेन चाहिए ना स्केल को यहाँ पे सेंटर पे टेन लेके आ गए और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ठीक है कहां पे? जीरो तक तो ये जो लाइन हो, ये जो पॉइंट हो गया हमारा P, P पॉइंट है ये। ओ पी के बीच का डिस्टेंस कितना है टेन सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कैसे बनाएंगे इसको मोर देन हाफ अपन ओपन करेंगे फिर एक कट ऊपर एक कट नीचे ठीक है अब कहां पे आएंगे अपन ओ पॉइंट पे पहले वाले को काटता हुआ एक कट ऊपर और एक कट नीचे ठीक है अब स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन कर देंगे अपन सपोज करो ये इसको कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं अपन ये जो पॉइंट है M, ठीक है अभी M को सेंटर मानते हुए और एमओ को रेडियस मानते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है करना है कि नहीं करना है सेंटर किसको मानना है अपने को एम को और एम वो एज ए रेडियस सर्कल ड्रॉ करते हैं अपन ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया अब ये देखिए इस पॉइंट को अपन किससे ज्वाइन कर देंगे पी पॉइंट से फिर इससे भी अपन ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे टू टेंजेंट्स बन गए इनको अपन नाम दे देते हैं कुछ भी पी आर पी एस पी आर और पी एस क्या है? हमारे रिक्वायर टेंजेंट। जब अपन इनको मेजर करेंगे तो इनकी लेंथ हमारे पास आएगी एट सेंटीमीटर पी आर पी आर और पी एस जो है दोनों इक्वल होंगे पी आर इक्वल टू पी एस और इनकी लेंथ आएगी हमारे पास एट सेंटीमीटर देखिए अपन इसको वेरीफाई भी कर कि लेंथ जो है वो एट सेंटीमीटर आ रही है कंपास से आप स्केल uh, से आप इसको मेजर कर लेंगे जीरो से यहाँ पे रख के और ये लगभग कितनी आ रही है हमारे पास एट सेंटी मीटर ठीक है ऐसे अपन इसको मेजर कर लेंगे एक और तरीका है वेरीफाई करते हैं अपन कि एट ही आ रही है कि नहीं आ रही ओ को आर से अपन ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से ओ पॉइंट को अपन आर से ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो ओ आर क्या हो गई हमारी रेडियस हुई कि नहीं हुई तो रेडियस कितनी गिवन है हमें इसके अंदर सिक्स सेंटीमीटर गिवन है ओ पी जो है वो टेन सेंटीमीटर गिवन है एंगल ओ आर पी कितना डिग्री है नाइन्टी डिग्री है कि नहीं है क्योंकि ये क्या है रेडियस है और वो टेंजेंट से तो हमारा जो ओ पी हो गया वो हो गए हाइपोटेनियस कौन से ट्रायंगल कौन से आर पी ओ के अंदर ओ पी क्या है हाइपोटेनियस तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं अपन और आर पी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाई कितना है इसके अंदर ओ पी डेट इज टेन तो स्क्वायर ऑफ टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर सिक्स मान लो तो स्क्वायर ऑफ सिक्स प्लस बी बी तो हमें निकालना है तो ये तो हो गया हंड्रेड इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस बी स्क्वायर थर्टी सिक्स यहाँ पर आ जाएगा तो इट विल बिकम हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हमारा कितना हो गया सिक्सटी फोर और बी कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट सिक्सटी फोर तो बी हमारा कितना हो गया एट और बी क्या माना है हमने RP कितनी आ रही है टेंजेंट एट सेंटीमीटर ठीक है अब अपने को ये भी जस्टिफाई करना है कि RP और पी एस क्या है टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल है ठीक है क्या जस्टिफिकेशन में क्या है हमारे पास वो भी लिख लेते हैं हम जस्टिफिकेशन में क्या जस्टिफाई करना है आरपी एंड पी एस पी एस लिखो एस पी लिखो बोत आर सेम थिंग आर टेंजेंट्स टू सर्कल ठीक है तो देखिए इसके अंदर अपन क्या देखते हैं ओ आर क्या है ओ आर रेडियस है ओ आर इज रेडियस है कि नहीं है उसके बाद एंगल ओ आर पी ओ आर पी इज नाइन्टी डिग्री है ना देखिए जब एक सेमी सर्कल होता है सेमी सर्कल सबने देखा है देखा है कि नहीं देखा है ठीक है सर्कल का हाफ उसके सर्कम से और डायामीटर से जैसे एबी डायामीटर मान लिया अपने जो ट्राइंगल बनता है ठीक है वो यहां पर राइट एंगल बनाता है ये एक थ्योरम होती है, है, ठीक एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री ठीक है तो अपन क्या लिखेंगे इसका रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल एंगल इन अ सेमी सर्कल ठीक है तो अपन ये थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था कि रेडियस है सेंटर से अगर कोई लाइन रही है ओ आर रेडियस है और 90 डिग्री भी है तो वो 90 डिग्री किस पे बनाती है टेंजेंट पे बनाती है ठीक है तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 पॉइंट वन अकॉर्डिंग टू थ्योरम टेन पॉइंट वन ये क्या हो गया पी आर इज टेंजेंट सब में सेम ही जस्टिफिकेशन आएगा है। बस ये दो तीन लाइन है जो अपने को फिक्स रिपीट करनी है ठीक है तो सिमिलरली भाई जैसे ये पी आर टेंजेंट है उसी तरह से पीएस भी टेंजेंट है सिमिलरली पी एस टेंजेंट ये हमारा जस्टिफिकेशन हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर ठीक है टेंजेंट बनाना है किस पे सर्कल पे जिसकी रेडियस कितनी है फोर सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ देखिए इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताया भी था आपको फटाफट से याद करिए वॉटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल पिछले वीडियोज में बता रखा है नहीं याद आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैनुपुर मैम इज योर मैथ्स में नो फियर कॉन्सेट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हु सेंटर्स आर सेम जिनके सेंटर क्या होते हैं सेम बट रेडियस इज डिफरेंट ठीक है same, तो हम मानते हैं कि ओ सेंटर है ठीक है वहाँ से अपन ने कीपिंग ओ एज सेंटर एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस है फोर सेंटीमीटर है ना अब इसी के कॉन्सेंट्रिक अनादर सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है सिक्स सेंटीमीटर तो कॉन्सेंट्रिक है उसका जो सेंटर होगा वो सेम होगा और इसके ऊपर दूसरा सर्कल हो गया इसकी रेडियस कितनी आ रही है सिक्स सेंटीमीटर अब क्या बोला है कि जो ये बड़ा वाला सर्कल है ना उसके किसी भी एक पॉइंट से पी पॉइंट से छोटे वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करनी है ठीक है एंड मेजर इट्स लेंथ फिर हमें इसकी लेंथ भी मेजर करनी है ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन एक्चुअली कैलकुलेट करके भी हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन भी अपन देख लेते हैं सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी होएगी फोर सेंटीमीटर तो कंपास की जरूरत पड़ेगी हमें हमारे कंपास और स्केल दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेजर करना पड़ेगा कि फोर सेंटीमीटर है कि नहीं है ठीक है ठीक है ये हमारी स्केल हो गई ये हमारा कंपास सबसे पहले सर्कल को फोर सेंटीमीटर का अपन ओपन कर देंगे ये हमारा सेंटर पॉइंट है वहां से अपन एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी है फोर सेंटी मीटर अब जो नेक्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस है सिक्स सेंटीमीटर तो अभी कंपास को कितना ओपन करना है अपने को सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो अगेन ओ सेंटर मानते हुए वही पॉइंट है सेंटर एक और अपन सर्कल ड्रॉ कर देंगे ठीक है तो ये हमारा ओ है ही सेंटर ऑफ सर्कल फिर क्या बोला है उसने एक पॉइंट पी है जो कि बड़े वाले सर्कल की सर्कल एक पॉइंट P है जो कि बड़े वाले सर्कल की सर्कम के ऊपर है ये पॉइंट P ठीक है इससे अपने को क्या बनाने हैं दो टेंजेंट सबसे पहले अपन O को P से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे ही करते हैं ना अपन टेंजेंट बनाने के लिए O को P से ज्वाइन कर देते हैं फिर OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं उसके लिए अपन इसको मोर देन हाफ खोलते हैं ये तो पूरा ही खुला हुआ है ठीक है मोर देन हाफ खोल लिया एक कट ऊपर एक कट नीचे एक कट ऊपर और एक कट नीचे सिमिलरली अब ओ पॉइंट पे आना है अपने को पहले वाले कट को काटता हुआ एक कट ठीक है और ये नीचे भी दूसरे वाले को काटता हुआ एक और कट ज्वाइन कर देंगे अपन इसे स्केल की हेल्प से सपोज करो ये इसको कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है एम पॉइंट पे इसका क्या नाम दे दिया अपने एम अब क्या करना था इसको रेडियस मानते हुए एमओ को और एम को क्या मानते हुए सेंटर ऑफ सर्कल जहाँ पे भी ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है उसको अपन नाम दे देंगे और वो हमारे क्या हो जाएंगे टेंजेंट्स ठीक है पी से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है सिमिलरली पी से इस वाले पॉइंट को भी अपने को ज्वाइन करना है तो ये क्या हो गए हमारे इनको नेम दे दीजिए इसको अपन पी टी मान लेते हैं और इसको पी एस मान लेते हैं तो पी टी एंड पी एस क्या है टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी और इनके अपने को मेजरमेंट भी लेने हैं अभी तो कि ये कितने मेजरमेंट के हैं तो चेक कर लेते अपन ये अप्रॉक्स हमारे पास फोर पॉइंट फाइव के आ रहे हैं ठीक है कितने आ रहे हैं फोर पॉइंट फाइव के अपन जब इनको चेक कर रहे हैं तो ठीक है कितने आ रहे हैं पीटी और दोनों बराबरी होंगे पीटी एंड पी एस पी इक्वल टू पी एस इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव सेंटी मीटर इतने आ रहे हैं ये ठीक है अब अपन वेरीफाई भी कर लेते हैं कि फोर पॉइंट फाइव आएगा कि नहीं आएगा तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं ओ को ज्वाइन कर देते हैं टी से ठीक है ओ को टी से ज्वाइन कर दिया अपन ने ओ तो टी जो क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया ठीक है ओ टी क्या है रेडियस और देखिए ये वाला एंगल दिस एंगल ये राइट एंगल है ठीक है क्योंकि ये वाइट वाला जो सर्कल है उसके अंदर टी पी ओ जो है वो क्या है एक ट्रेंगल है तो ट्रेंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है राइट एंगल होता है तो ये हमारा पी टी ओ क्या है राइट right एंगल 90 डिग्री तो एंगल देखिए पी टी ओ इज 90 डिग्री तो ट्राइंगल पी टी ओ के अंदर ओ पी P या पीओ P क्या हो गई हमारी हाई हुई कि नहीं हुई ओपी हमें कितना गिवन है ओ पी ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो ओपी जो है वो है हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर मीटर ओ टी जो है वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है तो ओ टी कितनी हो गई हमारे पास फोर सेंटीमीटर तो हम पी टी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है इसके अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो हाइपोटेनस तो हो गया ओपी ओपी स्क्वायर परपेंडिकुलर अपन ओ टी मान लेते हैं ओ टी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेस अपन पी टी मान लेते हैं पी टी स्क्वायर तो देखिए ओ पी कितना गिवन है हमें सिक्स स्क्वायर ऑफ सिक्स ओ टी कितना गिवन है फोर स्क्वायर ऑफ फोर प्लस पी टी तो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो ये हो गया थर्टी सिक्स ये माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर तो देखिए पी टी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन कितना आ गया ट्वेंटी ट्वेंटी का अगर अपन रूट करें तो क्या आ जाता है देखिए ट्वेंटी को अपन लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू फाइव तो जिनके पेयर बन रहे हैं उनको तो अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो पी टी इक्वल टू टू रूट फाइव ठीक है और रूट फाइव की वैल्यू होती है हमारे पास टू पॉइंट टू थ्री समथिंग ऐसे कुछ होती है ठीक है तो ये पी कितना हो गया हमारे पास फोर पॉइंट फोर सिक्स समथिंग आएगा और इसको राउंड अप करें अगर तो फोर पॉइंट फोर फाइव सेंटी मीटर आ रहा है पी हमारा अप्रॉक्स ठीक तो है तो सर ये फोर पॉइंट फोर फाइव समथिंग अप्रॉक्स आ रहा था ठीक है और फोर पॉइंट फाइव अप्रोक्स आ रहा था इसमें भी फोर पॉइंट फोर फाइव राउंड अप करने पर फोर पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है अभी तो हमने क्या किया है सिर्फ पी का वैल्यू फाइंड आउट किया है अभी हमें जस्टिफाई भी करना है कि पीटी और पीएस जो है ये दोनों क्या है टेंजेंट टू अ सर्कल है ठीक है तो अभी जस्टिफिकेशन में हमें क्या प्रूव करना है जस्टिफाई क्या करना है पीटी एंड पीएस आर टेंजेंट पीटी एंड पी एस आर टेंजेंट सेम वही जो अपन ने क्वेश्चन नंबर वन के अंदर किया था है ना देखिए ये व्हाइट वाला सर्कल है उसके अंदर पी टी ओ क्या है ट्रेंगल है टी कितना है नाइन्टी डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल तो क्या लिखेंगे अपन एंगल पी टी ओ पी टी ओ इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री रीजन क्या है इसका एंगल इन अ सेमी सर्कल एंगल इन अ सेमी सर्कल ठीक है टी क्या है रेडियस तो रेडियस 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाती है टेंजेंट के साथ में थ्योरम टेन पॉइंट वन के अकॉर्डिंग ठीक है तो क्या हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम टेन पॉइंट वन पीटी इज टेंजेंट Similarly, PS is also tangent. Similarly, PS is also tangent. जैसे हमने इसको प्रूफ किया है ना वैसे हम O को ऐसे से ज्वाइन करके भी सेम चीज लिख के प्रूफ कर सकते हैं तो बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपन सिर्फ इतना ही लिखेंगे सिमिलरली PS इज ऑल्सो टेंजेंट नेक्स्ट पे चलते हैं अपन थर्ड नंबर क्या कह रहा है

फ्रॉम इट सेंटर ठीक है तो अपने को एमें जो ये लाइन है इसको एक्सटेंड करना है ठीक है उसके ऊपर दो पॉइंट है पी और क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवन सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर पी पॉइंट है सपोज करो ये सेंटर है वो सेंटर से सेवन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सिमिलरली जो क्यू पॉइंट है वो भी कितने डिस्टेंस पर है सेवन सेंटीमीटर के ठीक है फिर क्या करना है ड्रॉ टू टेंजेंस टू सर्कल फ्रॉम दीज पॉइंट्स पी एंड क्यू तो पी से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं सिमिलरली क्यू से भी हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो चलिए इसका भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी होएगी थ्री सेंटीमीटर ठीक है चलिए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ले लेते हैं हम कंपास एंड स्केल कितने रेडियस की बनानी है अपने को थ्री की तो जीरो पे रखा पॉइंटर और थ्री तक हमारे कंपास को ओपन कर दिया ठीक है इसको ओपन मान लेते हैं हमारा सेंटर पॉइंट ओ ठीक है ओ से हम बनाएंगे एक सर्कल ठीक है बन गया थ्री सेंटीमीटर रेडियस का अब क्या करना है डायमीटर को एक्सटेंड करना है जो कि सेवन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो दोनों ठीक है तो ये सेवन पे सेंटर रख लिया अपन ने और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी कहाँ तक जीरो तक ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा पी सिमिलरली सेवन से फोर्टीन तक एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा क्यू ठीक है ये पॉइंट क्या हो गया हमारा क्यू ठीक है ओ से लेके पी का डिस्टेंस कितना है सेवन सेंटीमीटर ओ से लेके क्यू का डिस्टेंस कितना है सेवन सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर ठीक है ये दोनों सेवन सेवन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अब पी से हमें एक टेंजेंट बनाना है सबसे पहले हम पी से एक टेंजेंट बना लेते हैं सेम वही कंपास को मोर देन हाफ अपने को ओपन करना है मोर देन हाफ हो गया ये और एक कट ऊपर एक कट नीचे मीन्स हम पहले ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे चलिए बना लेते हैं एक कट ऊपर और एक कट नीचे कहाँ पे आना अपने को ओ पॉइंट पे सेंटर ऑफ सर्कल पे पहले वाले को काटता हुआ एक कट ऊपर नहीं कट रहा है तो वापस अपन उसको ड्रॉ कर लेंगे और एक कट नीचे वापस आ जाइए अपने पी पॉइंट पे मेजरमेंट सेम है ही तो हमारे प्रीवियस कट को थोड़ा सा अपन एक्सटेंड कर देते हैं ताकि इसको काट ले ठीक है स्केल से ज्वाइन करते थे अपन इस लाइन को ये जो लाइन है जहां पे भी ओपी को काट रही है उसको अपन नाम दे देते हैं एम पॉइंट इसको अपन क्या नाम दे देते हैं एम है ना अब कीपिंग एम एस सेंटर एंड एमओ एस रेडियस एमओ और पी एम आपस में क्या होंगे बिल्कुल बराबर होंगे ठीक है चाहे आप एमओ को मेजर करो पीओ को मेजर करो आर सेम थिंग एक अपन सर्कल ड्रॉ करेंगे चलिए ड्रॉ कर देते हैं अब ये पी पॉइंट से यहां पे जहां पे भी टच कर रहा है उसको अपन लाइन से ज्वाइन कर देंगे पी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे और पी ही पॉइंट से अपन इसको भी ज्वाइन कर देंगे तो ये देखिए पी से तो हमने दो टेंजेंट्स बना लिए इनको अपन नेमिंग भी दे सकते हैं पी टी पी आर P T एंड P, P, P R P T जो है वो P R के बराबर होगा ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को क्यू से बनाना है तो अगेन ओ क्यू का अपने को क्या बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर सेम वही स्टेप मोर देन हाफ ओपन किया फिर एक कट ऊपर और एक कट नीचे एक कट ऊपर और एक बिलो द लाइन ठीक है कहां पे आ जाना है अपने को क्यू पॉइंट पे पहले वाले को काटता हुआ एक कट ऊपर और एक नीचे ठीक है एक ऊपर और एक नीचे स्केल की हेल्प से अपन इनको भी ज्वाइन कर देंगे ठीक है आप कंपास से इसको नाम दे देते हैं अपन एन क्या नाम देते हैं इसको अपन कि ये एन पॉइंट है सपोज करो एन पॉइंट ठीक है तो एन को सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए एक कट लगाएंगे अपन ठीक है कौन से चले ये अपन ब्लू कलर से इसको लगा देते हैं ठीक है एक सर्कल अपन ड्रॉ कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं अब क्यू से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इसको इसको भी अपन नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स का क्या नाम है ए और बी नाम दे देते अपन इसको ये ए है हमारा और ये बी है स्केल की हेल्प से अपन इनको भी ज्वाइन कर देंगे क्यू को ए से और Q को ही B से तो ये हमारे दो टेंजेंट्स बन गए फ्रॉम पॉइंट Q क्यू ए एंड क्यू बी जिसमें क्यू ए बी किसके बराबर है Q B के यहां तक तो अपन ने प्रूफ कर दिया है अब अपने को क्या करना है इसको जस्टिफाई भी करना है जस्टिफाई करने के लिए देखिए अपन क्या करेंगे क्या जस्टिफाई करना है पहले तो Justification PT, PR, AQ, and BQ are tangents to circle. ठीक है ये अपने को प्रूफ करना है एक प्रूफ करेंगे बाकी के लिए अपन सिमिलर चीज लिख देंगे ठीक है सबसे पहले तो ओ जो पॉइंट है उसको आप टी से ज्वाइन कर दीजिए किसको ओ को टी से ज्वाइन कर दीजिए जो ओ पॉइंट है ना इसको टी से अपन ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो ओ टी क्या होएगी हमारी रेडियस होएगी ओ टी रेडियस है और देखिए ये जो वाइट वाला सर्कल है है ना उसमें जो एंगल ए, पी टी ओ वो कितना डिग्री का होएगा फटाफट से बताइए कितने डिग्री को होगा ये नाइन्टी डिग्री का होगा क्योंकि ये एंगल ही ना सेमी सर्कल है ओ पी क्या हो गया डायमीटर हो गया ये कोई भी एक पॉइंट है सर्कम फ्रेंस के ऊपर तो पी टी ओ क्या हो गया नाइन्टी डिग्री तो जो हमारा एंगल पी टी ओ है वो कितना है नाइन्टी डिग्री रीजन क्या है इसका एंगल ही ना सेमी सर्कल सेमी सर्कल ठीक है और ओ क्या है हमारी रेडियस है ओ क्या है रेडियस कौन से वाले सर्कल की जिसकी रेडियस थ्री सेंटीमीटर थी ठीक है तो ओ रेडियस हो गई इसका मतलब थ्योरम टेन पॉइंट वन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू थ्योरम पी टी क्या हो गया पी टी इज टेंजेंट सेम वही लाइन लिखी है अपन ने सिमिलरली आर ए क्यू एंड बी क्यू भी क्या है ऑल्सो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर ठीक है तो इस वाले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री सॉल्व किए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और कंस्ट्रक्शन को खुद से करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड टेक केयर